अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ जहीर आपके अपने चैनल m.g से। आज मैं आपको फिर इस्लामाबाद में धुंध के बारे में वीडियो दिखाऊंगा। आज तीसरा दिन है मुसलसल इस्लामाबाद में अच्छी धुंध पड़ रही है। आज दिसंबर की 28 तारीख हो गई है। चलें मज़ीद कुछ इस्लामाबाद के व्यूज़ देखते हैं। ये देखिए एक पुल के पास और इस तरह की खाली जगहों पे तो अच्छी खासी धुंध ऐसी कि कुछ भी नज़र नहीं आता थोड़े से फासले के बाद। जैसे कि बिल्डिंग या कोई जगह आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन खुली जगह पे धुंध बहुत तेज़ हो जाती है। ये देखिए एक सामने एक पार्क है, पार्क के अंदर किस कदर धुंध है। खुली जगह में कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि अंदर क्या है। इस वक्त सुबह के 8:45 हो चुके हैं, 8:45 हो गए हैं, अभी तक धुंध का ये हाल है। इस्लामाबाद में बहुत ही कभी शाज़ो नादिर ही इस तरह की धुंध पड़ती है। कभी दिसंबर में, जनवरी फरवरी में इस तरह शाज़ो नादिर ही पड़ती है। इस तरह यहाँ एक रूटीन नहीं है कि रोज़ मुसलसल यहाँ पे धुंध पड़ती है। पंजाब के इलाकों में तो अक्सर ही सुनते हैं रोज़ धुंध छाई होती है। इस्लामाबाद के रिहायशी जो हैं इन मनाजिर को कभी कभी ही देख सकते हैं। गाड़ी नज़र नहीं आती थोड़े से फासले के बाद, इसी वजह से फोग लाइटों का कहा जाता है एहतियाती तदाबीर के हवाले से कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह के मौसम में जब भी बाहर निकलना हो तो फोग लाइट का लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि औरों के लिए भी सेफ्टी का बाइस बनता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे फिर थोड़ा सा खुला इलाका साइड पे है तो यहाँ पे अच्छी खासी धुंध है। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं मज़ीद किसी वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।